चित्रकूट जेल कांड की कैया बागपत जेल कांड से जूझने लगी है। दरअसल बागपत जेल में माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद वहां तैनात एक जेल वार्डर जगमोहन को संदिग्ध होने के कारण वहां से चित्रकूट जेल ट्रांसफर किया गया था। पुलिस और जेल विभाग की जांच में इस बॉर्डर की भूमिका खंगाली जा रही है। साथ ही जेल में मौजूद आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक लंबरदार भी जांच के घेरे पे हैं। जानकारी के मुताबिक जेल महकमे और पुलिस की शुरुआती पड़ताल में जेल वार्डर जगमोहन का नाम सामने आया है। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के दौरान जेल वार्डर जगमोहन का नाम सामने आया था। इसके बाद उसका तबादला बागपत से चित्रकूट जेल कर दिया गया था। उसकी भूमिका असली भी संदिग्ध मानी जा रही है। वह 6 मई से छुट्टी पर चल रहा था। उसने खुद को कोरोना संक्रमित होने की बात कही थी, लेकिन 13 मई की शाम को उसको जेल में देखे जाने की बात सामने आ रही है। जिस दिन वारदात शुरू हुई उस दिन भी जगमोहन जेल में मौजूद था। बताया जा रहा है कि अब जब अंशु फायरिंग कर रहा था और पुलिस टीम उसे सरेंडर करने के लिए बोल रही थी, तो जगमोहन भी सीढ़ी से चढ़कर बैरक की तरफ गया था। लोगों के मुताबिक उसने अंशु को सरेंडर करने के लिए भी बोला था। इस दौरान वहां लंबरदार मनोज भी मौजूद था। मनोज की भी भूमिका को काफ़ी संदिग्ध माना जा रहा है। इसी के साथ मुकीम काला जब सहारनपुर जेल में बंद था तो उसके वकील ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। इस संबंध में उसने कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी दौरान मुकीम पर सहारनपुर जेल के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने के भी आरोप लगे थे, जिसके बाद उसे सहारनपुर जेल से ट्रांसफ़र करने का फैसला हुआ। हालांकि उसे पूर्वांचल की किसी जेल में भेजा जाना था, फिर अचानक से उसे चित्रकूट जेल भेजने का फैसला लिया गया था। पुलिस टीम ने जेल में चल रहे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। जेल अधिकारियों ने भी सारे फुटेज हार्ड डिस्क में सेव कर लिया है। खासतौर से 1 से 14 मई की सुबह तक जेल में कौन आया कौन बाहर गया, इसकी विशेष रूप से जांच की जा रही है। गेट नंबर 1 व 2 की फुटेज खंगाली जा रही है। अंशु दीक्षित ने मुकीम काला व मिराज की हत्या के बाद अपने पास मौजूद मोबाइल फ़ोन से कॉल की थी। कॉल करने के बाद उसने उस फ़ोन के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। पुलिस ने फ़ोन को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा अंशु स्मार्टफोन भी इस्तेमाल करता था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएँ।